मैम ने मुझे आज सुबह बड़ी अच्छी बात बोली जब हम सुबह डिस्कशन में बैठे थे कि आफ्टर माय सन वाज बॉर्न सो आई हैव स्टॉप्ड स्कोल्डिंग ऑल द अदर स्टूडेंट्स नाउ आई अंडरस्टैंड जब मैं अपने वाले को नहीं समझा पाती मैं औरों के क्या समझाऊं बट आप संभल के रहिए मैंने डीपीएमएस पढ़ाया है जिसमें मैम ने मेरे को साफ बोल दिया था कि जस्ट मुझे बोर्ड चढ़ाया कि मुझे मैम नहीं समझ रहा था फिर भी कैसे कैसे करते हैं मुझे याद एक बार किस्सा तो उस वक्त ना नया नया हमें ना लाइनक्स का फिदूर चला हुआ और लेकिन हमारी मैक्सिमम जो टीम होती है विंडोज प्लेटफॉर्म पर तो एक दिन ना मैं उबंटू लोड करके ना बैठा हुआ तो हम लोग कुछ ना आउट ऑफ द वर्ल्ड ही क्यों लोग होते थे ना मैच के तो मैं एसक्यूएल क्वेरी डाला तो मैं हमारे लैपटॉप में देखी ये क्या लोग कर रखा तुमने मैंने कहा मैम कर तो ऐसे क्यों नहीं रहा हूँ कुछ और थोड़ी कर रहा हूँ नहीं नहीं वो डाल के लाओ अब कहाँ से डाल बोला था माइक्रोसॉफ्ट डाल के लाओ और ये लिनक्स पे काम कर रहा है बताओ तो मैं अपने भाइयों को बताना चाहूंगा जो आज भी सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ तो कर ही रहा हूँ तो देखो एसक्यूएल एसक्यूएल होता है तब इनकी क्लास में जाते थे तो बच्चे मुझसे पूछते थे मैम आप प्रेशर तो नहीं हो अगर आप प्रेशर हो ना हम आपसे नहीं पढ़ेंगे तो मैंने कहा नहीं मैं प्रेशर नहीं हूँ पहले काम किया हुआ है कंपनी में तो बच्चे कहते थे कि ठीक है मैम फिर आप क्लास में आ सकते हो इनकी क्लास में ना इतना टेरर होता था टीचर्स इनकी क्लास छोड़ देते होते थे कि ये बच्चे बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं बड़े इनके डाउट्स होते थे जो पढ़ने जो ज्यादा क्लास में होते हैं बच्चे ये बहुत गलत बात है अगर मुझे पता लगे सब हुआ है तो आई फील नॉलेज और एक्सपर्टीज की कोई चीज नहीं है मैं आज बोल रहा हूँ और I'm very fortunate that we have been a student and we have done हमारा ना एक्चुअली कोर्स का टाइम फ्रेम कम होता था और हमें बहुत कोर्स वर्क भी कम्प्लीट करना होता था इवैल्यूएशन करना पड़ता था तो समवेयर एक जो कनेक्ट जो हमें लर्निंग एक्सपीरियंस का होता था वो मैं आज कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं हमारा कम रहा है क्योंकि मैम को भी आगे फटाफट से मॉड्यूल पूरा कराना होता था हमें भी फटाफट से करना बच्चा अच्छा उसने ये चीज किया तो वी आर लाइक ओके ये हमारा स्टूडेंट था वेरी प्राउड बट खासकर इनके बैच में इतना ज्यादा बच्चे ऐसे थे ना कि कोई बच्चा आता है ना तो कोई बच्चा कहीं से कनाडा से इससे उस एक बच्चे ने कॉल किया मुझे वीडियो कॉल करा सुबह 7 बजे मैंने कहा बेटा मेरा 7 बजे तेरे पता नहीं कितने बजे होंगे वहाँ पे देखो गलत बात है बंदे को देख के कॉल करना चाहिए सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए आपको करना चाहता हूँ वो इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना टीचर जैसा कि अंडररेटेड प्रोफेशन है मनी वाइज भी फाइनेंशियली बट देखो ये बात मैंने की आज सैटिस्फेक्शन किस चीज की होती है हमें मैं नीतू मैम को आज भी बोल रही थी सैटिस्फेक्शन मेरे से एक चीज की है कि जब बच्चा जी करके निकलता है ना और आके वो एक बार ये बताता है कि मैम यस आई हैव सीन दिस प्रोफेसर यू आई एम सो प्राउड कि बाकी सारा लगता है सब कुछ कवर अप हो गया ये है सपना मैम और मैम को मास्टर ऑफ जावा बोलते थे हालांकि मैम ने मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी भी पढ़ाई है और तो सपना मैम को मास्टर ऑफ जावा स्टूडेंट्स ने वो किया था एक तरीके लेवल कर दिया था बिकॉज मैम बहुत ही अच्छे से जावा पढ़ाते थे और मैंने नंबर भी अच्छे देखा क्या बोलूं नेटवर्क सिक्योरिटी में मेरे अच्छे नंबर आए मैम ने हर तरीके के सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स पढ़ा दी SSL लेयर का पता नहीं कुछ बड़ा कुछ पढ़ाया था एंड इट्स नाउ एवरीथिंग इज सिक्योर इनसिक्योर विद मी मुझे नहीं याद मैम एनीथिंग यू हैव टू शेयर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं निकल आता था मैंने देखा आपको एंड हाउ डिड इट फील क्योंकि मैंने जब 2008 में ज्वाइन किया था तो जब मैं फर्स्ट टाइम मैं न्यू कमर्स देखा हमेशा हमारी नजर होती थी वो जस्मी पे और आज आपको यहाँ देखे ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज कहाँ पहुँच गया सीरियसली कहाँ देख रहे हो मैं आप देख रही हूँ आपके उसमें जो आप की स्मॉल मूवीज आती है
मच मैम. हालांकि कभी भी मैम ने मेरे को डांटा नहीं है. आई हैव बीन ठीक था. आई मेंटेन द बैलेंस थ्रू आउट. अच्छे ओबीडिएंट स्टूडेंट्स में तो बहुत अच्छा लगा. और अगेन मेरे दो बड़े अच्छे दोस्त हैं मैम, आपके बहुत बड़े फैन हैं. ध्रुव सहरा एक चंदन बगई, अगर आपको उनके नाम याद है. बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है. बहुत हमारे फेसबुक फ्रेंड, लेकिन आज मैम से रूबरू करवा दिए मैंने. और आप दोनों जितनी तारीफ करते हैं मैं और मैम एनीथिंग यू वांट टू से एनीथिंग फ्रॉम योर हार्ट. मेरे पास तो वर्ड्स कम है बिकॉज टुडे आज मैं मिल रहा हूँ तो ओवरवेलमिंग फील हो रहा है मुझे. हालांकि बहुत सारे फैकल्टी दोस्त वर देयर एट दैट टाइम देयर आर नॉट देयर, बट इनसे मिल रहा हूँ बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी क्लोज इन कनेक्शन. बिकॉज मैंने आज फ्रंट सीट भी दिखाई जहाँ मैं बैठा हूँ और लास्ट सीट भी दिखाई जहाँ मैं बैठा हूँ. तो मैं रोटेशन बड़ी करता था तो I just loved every moment of it. Chalo, we'll move to anybody next week and find on the way. And thank you for watching us. Keep following us now. The program chal raha hai. बहुत दूर से ज्यादा मैम मेरे से भी पार्टी जाते ना. अच्छा
देख चंदन और बोलती मैं अब मारेगा मारेगा मेरा तो कहाँ ही खाता था नहीं चंदन ऐसे बोलेगा हाय राम चंदन का नहीं किस्सा बताऊंगा मैं आपको बड़ी मेहनत से ना अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लेके आया बड़ी वायर वायर लगा के रखी हुई वो ना दो मिनट में बर्खास्त कर दी गई उसने दो घंटे सेटअप करने में तैयारी की बाद में डेस्कटॉप पे तो मूवी पड़ी थी तो मैंने कहा कि ये पैकेज के काम तो मैंने कहा मैं पता नहीं बोलूंगा कि क्या है बट वो आता तो बेचारे का बड़ा दिल था हालांकि उसमें और आई डोंट एग्री विद दिस जो हमें हो गया था क्या कि ऐसे है कि कपल्स कैसे बैठे थे मूवी में क्या उसके साथ ही हमसे पीछे पीछे होता था उसके तो वो ये माइंड सेट हो गया था कि अच्छा कोई नहीं जा रहा है चल कोई ना इसका कोई ना तुम्हें कितनी दुनिया से सिंपैथी मिली सो ऑल इन गुड फेथ तुम भी शेयर करते हो वो बोलते क्या लगती है मैं आई एम अ पोर्शन भी तब भी तुम बोलते तब भी इतना नहीं था अब तो नहीं क्या है ये प्रोफेशन के लिए तो happiness and a moment of pleasure, you know, that I've been through everything and all those moments, and even if ma'am and I keep on discussing what we have a lot of things in common to discuss and, you know, talk about all the things that... You have become big, that's why you can talk about it. There's a little maturity in front of you. There's a little bit of effort. 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 We'll try और लाइफ बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिला है लाइफ स्पैन ऑफ जस्ट 10 इयर्स में डिकेड हो गई है जब से इतना कुछ लाइफ में चीज ना यू लर्न सो मच क्या मूर्ख थे अभी भी फीलिंग आती है वी आर फुल अभी भी कभी आती है नहीं बट आई फील वी आर ऑल डूइंग वेल एंड एवरीबॉडी इज वॉचिंग एंड दोज़ हु कांट एक्चुअली बी हियर एट दिस टाइम एंड शिवानी मैम शिवानी गौतम मैम and that's life and that's us thank you for watching us we'll move on to our next God bless you all thank you so much